हेलो इंदौर, ये पुष्कर जाने के लिए गाड़ी सर्विस करवा रहा हूँ और पूछता हूँ उससे क्या क्या इसमें खर्चा आना है। भाई साहब ने बोला कुछ भी नहीं, गाड़ी ओके है और इसका सिर्फ एयर से फिल्टर साफ कर देते हैं, तो फिर आप अपनी गाड़ी ले जाओ। और ये मैं रेड चीफ का जूता लाया हूँ अपनी नई ट्रिप के लिए, और आप बताओ शूज़ कैसा है। मुझे तो बहुत कम्फर्टेबल शूज़ लगा ये। ये इसका आर्टिकल, सब सोए हुए हैं तो मैं 3 ऑमलेट और दूध बना रहा हूँ। सुबह के 7 बजे है अभी, तो नाश्ता करके मतलब 15-20 मिनट में अपन निकल चलते हैं पुष्कर की ओर। और ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया, ऑमलेट और कॉफ़ी। जय हो कान्हा जी की। तो सुना है कि सफ़र पे निकलते समय बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए, तो हमारे कॉलोनी के बड़े ये हैं, ये देख रहे हैं ना आपको, ये हमारे कॉलोनी के बड़े हैं ये। हेलो दादा, कितने दो नहीं पुष्कर। जय हो कान्हा जी की। तो ये हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई, ये हम पैलेस कॉलोनी से बाहर निकल रहे हैं और सीधे हम अभी पेट्रोल भरवाना है, तो कल तो डलवाया था फिर भी टंकी फुल करवाते हैं, तो फिर 250-250 किलोमीटर पे पेट्रोल डलवाएंगे हम। और थोड़ा रुकते रुकते चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी कुछ भी गलत नहीं, ओनली सिंसियरली सिंसियरली गाड़ी चलानी है, नॉर्मल। वापस आना है मेरे को, वापस यहाँ पे 10 तारीख को, मेरी वाइफ ने अल्टीमेटम दे दिया है कि 10 तारीख को आपको वापस आना है, तो यही प्लानिंग रहेगी 10 तारीख को वापस आने की। और चलो चलते हैं, सब सामान उठा लिया है, जो नहीं उठाया, जो भूल गए उसको राम राम, अब जो उठाया है तो उसी का ही कल्याण। चलो चलते हैं। ये सुबह सुबह का आप नज़ारे देखो, ये इंदौर की सफाई हो रही है और ये सब वॉक करने के लिए लोग जा रहे हैं, तो हम चलते हैं अपनी यात्रा पे। जय हो कान्हा जी की। अभी इंदौर हाईवे पे आ गए हम, और यहाँ से सीधा उदयपुर रोड आएगा, पूरा सीधे उदयपुर पहुँचेंगे और उसके बाद लेफ्ट लेना है अजमेर की ओर। ये रोड सीधा अपना आ गया, अपना हाईवे, और यहाँ से दादा से मिलते हुए जाएंगे। सौरभ दादा से मऊ में है और अभी थोड़ी हल्की हल्की सी ठंड भी लग रही है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक मस्त एकदम मजे में। चलो चलते हैं दादा। पेट्रोल भरवा लिया, पेट्रोल फुल टंकी कराते हैं यहाँ पे, 900-1000 तक पेट्रोल आएगा, क्योंकि पहले से पेट्रोल डला हुआ है। ठीक है, 40 किलोमीटर आ गया हूँ और पेट्रोल भरवा लिया, टंकी फुल करा दी, 970 मतलब 9 लीटर, तो 14 लीटर की टंकी है, तो 5-6 लीटर पहले पला हुआ था उसमें, तो अब एक बस हवा डलवाते हैं फिर सीधे निकलते हैं। तो अभी स्टॉप करूंगा 100-100 किलोमीटर, तो टारगेट तो ये 80-85-90 किलोमीटर गाड़ी चला के थोड़ा सा ब्रेक लेके चाय पी के फिर आगे बढ़ेंगे, यही यूज़ करेंगे, और धीरे धीरे शाम तक हम जो है जैसे पुष्कर पहुंच जाएं। तो अजमेर में हम खाना खाएंगे शाम का, और वो खाना होगा मटन। चलो भाई, ये मानपुर से जो है ना हमारा रास्ता कट गया और ये है सीधे रतलाम के साइड, नीचे पीछे जा रहा है उदयपुर और यहाँ से जा रहे हैं हम रतलाम। काला कौआ, तो बैग थोड़ा उल्टा सीधा हो गया था, गिर रहा था, तो हमारे ये कर्नाटक के भाई साहब हैं, ये गाड़ी चलाते, तो इसको हमने सब्सक्राइब भी करा दिया, तो हमारा बैग जो है ना भाई साहब ने बांध दिया, थैंक यू सर, तो इसको सब्सक्राइब कर दिया, हमारा वीडियो देखता रहेगा। ये एक सही हो गया पूरा, ये अभी एक्सीडेंट हुआ है, तो किसी से पूछा तो ये नशे की हालत में था, नशे में गाड़ी चला रहा था और नीचे पहिया हो गया, तो ऊपर करने की कोशिश करी तो वहीं पे पलट गई गाड़ी। भैया मत पियो, मत गाड़ी चलाओ। कानवाल से हो, तो इनको भी हम सब्सक्राइब कराते हैं भैया, इनको भी यूट्यूब पे आना है। तो ये पंजाब से कहाँ से आ रहे हो? पंजाब से आ रहे हो? लुधियाना से। लुधियाना से कहाँ जा रहे हो? लुधियाना से
यही आए। टाइम हुए 12 तो 11:30 बजे मैंने थोड़ी झपकी ले ली, गर्मी हो गई है बहुत, चाय पीते हैं, गोभी खाते हैं, फिर निकलते हैं अपन आगे। और मटर जैसे बर्फ का पानी है, पानी वेस्ट मत करो, मतलब इतना फ्रिज का भी ठंडा पानी नहीं होगा इतना। ये क्या पानी है? अच्छा, बहुत ठंडा पानी। आपको एक रोटी मलाई वाली रोटी खिलाता हूँ, ये मलाई लगा दी है इसने, और ये रोटी तो बोले हमारी स्पेशल रोटी है यहाँ पे, हम आपको खिलाते हैं। रोटी खा रहे हैं मलाई वाली, देखिए कैसा है टेस्ट। ये भाई साहब ने हमें खाना खिलाया बहुत शानदार, दो रोटी, बीच में मलाई और शक्कर, नमक और काली लाल मिर्च। परम गुरु जी की तस्वीर लगी हुई है, तो चलो इनसे बात करते हैं अपन। क्यों, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओले गिल रहे हैं भाई, ओले ओले, ये देखो, अरे बाप, अरे बारिश कहाँ से आ गए भाई। अभी तो नया नया जूता लाया हूँ मैं, देखो कितनी तेज बारिश आ रही है, और बहुत बड़े बड़े फुले गिर रहे हैं। तो मैं इस पेड़ के नीचे रुक गया हूँ अभी, तो बारिश बंद होने का इंतज़ार हो रहा है, हो जाए तो फिर निकलते हैं अपन। और बहुत तेज़ बारिश हो गई, पता नहीं कहाँ पहुँचा, मन को यहाँ से थोड़ा आसपास नहीं है, और नया जूते लेके आए यार अभी, जो नाचने वाले लेते हैं ना, ये तो पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं, अभी पूरा गीला हो गया, वो ऊपर से जो है ना मिट्टी मिट्टी गिर रही है, वो जैकेट भी खराब होते जा रही है, चलो जैकेट को खोल लेंगे, बारिश कम होने आज मिट्टी होगी।
चलो पेट्रोल क्या भाव है? 108.25। हाँ डाल दो, फुल कर दो। जीरो देखना। चलो चलो, ये नहीं चल रहा कार्ड, जा रहा है एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड जा रहा है। तो ये अभी फिर 1100 में फुल हो गई, मतलब 9 1100। चलो ठीक है, फुल नशे में है, फुल नशे में और गाड़ी चला रहे हैं और मेरे को बॉटल दिखा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। महाराष्ट्र की गाड़ी है ये, मैं तो साइड हो गया, डर गया था इनसे भाई लपेट न ले। हमने तो अभी हमने मैंने एंट्री करी है अजमेर में, और यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है पुष्कर। तो यहाँ सब होली की तैयारी चल रही है भाई जोर जोर से। चलो चलते हैं जब पुष्कर, वहाँ देखते हैं हमारे दोस्त मिल रहे हैं। जिस रिजोर्ट में रुका हूँ वहाँ पे पुलिस आ गई है, देखो पुलिस चेकिंग कर रही है, कोई बाहर से लोग तो नहीं आए, और मुझे वीडियो कम करो बहुत सारे। ये देखो, चलो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। हैप्पी होली।